नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के साक्षी आमबगान स्थित सना कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएनएससी ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाओ के नाम पर कई दुकानों को तोड़ा गया। अब इस तोड़फोड़ के बाद स्थानीय दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार बसर नवाज खान ने बताया कि सना कॉम्प्लेक्स के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिस दुकान को तोड़ा गया है वो दुकान उनकी खुद की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन ये नक्शे में नहीं है। दुकान के कागज भी उन्होंने वहाँ मौजूद अधिकारियों को दिखाया था, बावजूद इसके दुकान को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद तहसीलदार ने सीओ ने भी इसकी सूचना दी कि ये दुकान उनके खुद के जमीन पर बनाया गया है, लेकिन एक न सुनी गई और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय दुकानदारों ने इस बात पर चिंता जताई है कि आखिर सना कॉम्प्लेक्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि अगल बगल भी उसी प्रकार कई दुकानें बनी हुई हैं। दुकानदारों ने कहा कि सना कॉम्प्लेक्स को किस कारण टारगेट किया जा रहा है वो इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। एसडीओ को इसको लेकर वे ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी थी? देखिए, बात ऐसी है कि हमारी दो दुकानें थी वेलकम प्रिंटर्स के नाम से, एक दुकान यहाँ, एक दुकान बेसमेंट। तो ये बाहर वाली शॉप, सबसे पहले जब सीलिंग का मामला आया था तो सीलिंग में हमने पेपर दिखाया था, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो दुकान थी, ये दुकान हमारे अपने प्रेमिसेस में है, ये रोड पे नहीं बनी हुई है। ये जहाँ तक मेरा दायरा है उस दायरे के अंदर में ये दुकान बनी है। पेपर दे के उसने सीलिंग नहीं किया जो सीलिंग करने के लिए आए थे, बाकी दुकानें सीलिंग भी हुई थी। जब ये दोबारा मामला आया, नोटिस आई, हम लोगों को नोटिस दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो आप लोग खाली कर दें। हम लोगों को कोई समय नहीं दिया गया कि भाई आप दुकानें खाली कर लें, चूँकि सामान काफ़ी रहता है और दो घंटे चार घंटे में खाली नहीं हो सकता। और जब दो चार घंटे में नहीं खाली हुआ, उन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान हो गई। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जितना गिलास था, जितना रैक था, सारा कुछ टूट गया। रही बात सीओ साहब से, मेरी जब बात हुई, सीओ साहब इस बात को एग्री कर गए कि भाई ये दुकान जो है इनके अंदर में बनी हुई है, उनके अपने दायरे में। लेकिन जो ये जेई हैं प्रधान, ठीक है, उन्होंने बाई फोर्सली इस चीज़ को जो है ना तोड़वाया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, शर्मा जी, ठीक है, उन्होंने चार बार इस बात को रिपीट किया कि भाई ये दुकान उनके अंदर में है, ये दुकान हमारे एरिया में नहीं बनी हुई है। ये अलग बात है कि ये दुकान बनी हुई है नक्शे में नहीं, लेकिन दुकान मेरे दायरे में बनी हुई है, मेरी ज़मीन में बनी हुई है। बावजूद उन्होंने चार बार कहा कि भाई ये दुकान उनकी लीगल में है, ठीक है। बावजूद उसके जेई जो प्रधान है, उन्होंने बाई फोर्सली सीओ साहब से बोला, सीओ साहब दो बार एग्री किए, लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती आगे का बल का प्रयोग करके इसको तोड़ दिया। आगे का क्या है? आगे का ये है कि न्याय पे तो हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं, ठीक है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसका सम्मान करते हैं, असम्मान करते हुए जो एसडीओ महोदय हैं हमारी, वो भी काफ़ी इस मामले में स्टिक हैं, ईमानदार हैं, इस चीज़ को वो देखें। मैं तो बोलूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मेरे अगल और बगल में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, उनको भी नोटिस हुई है, उन पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत सारी है। मैं पूरे जमशेदपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रशासन है इसको अपने स्तर से जांच करवाए। जितना नुकसान सना कॉम्प्लेक्स का हुआ है, पूरे शहर में किसी भी बिल्डिंग का नहीं किया गया। आखिर वजह क्या है? मैं इस वजह को जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ ये धांधली हुई है, क्या खाया गया, किससे पैसा लिया गया है, कि आखिर आप लोग जो है यहाँ बर्बरता दिखाते हैं और दूसरी तरफ जो है दया दिखाते हैं, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो हमारी दुकान ये जो टूटी हुई है, इस दुकान के सीधे से मिलाया जाए कि कितनी दुकानें इस लेवल में हैं, आखिर उन्होंने उसको क्यों नहीं तोड़ा गया, सिर्फ वेलकम को ही क्यों टारगेट किया गया? बिल्डिंग ये आप देखिए, ये मेरा लीगल है। क्या नाम हुआ आपका? बशर नवाज खान मेरा नाम हुआ। मामला कुछ नहीं हुआ, ये पक्षपात किया जा रहा है। हमारे कैंपस में 12 फीट मेरा छोड़ा हुआ है, उसमें 6 फीट हम थोड़ा सा गुमटी बना दिए, वो आँख में खलने लगा। हमको खबर किया गया कि बेसमेंट में
खाली कीजिए, यहाँ पार्किंग कीजिए। हम बेसमेंट में अपना काम कर लिए, पूरा खाली वाली करवा दिए। इस बीच में आया एकदम पूरा पोकलन ये सब लेके और आके सीधा मेरा घुमकी उमकी में तोड़ना शुरू कर दिए। मेन शटर जो कॉम्प्लेक्स का है उस शटर को उखाड़ दिए, जबकि वो कहीं सब नक्शा में है। लेकिन क्या लोगों दुश्मनी है मालूम नहीं हमसे, ले देके हमरे ही पीछे पड़ जाते हैं। आके पूरा उखाड़ के सीढ़ी पूरा तोड़ दिए। भाई वो तोड़ने का ठीक है, चलिए भाई बेसमेंट में जाने का रास्ता बना रहे थे वो ठीक है, लेकिन इस घुमकी उमकी तोड़ने का क्या है, इसमें मेरा लाखों का नुकसान कर दिए। जो गरीब यहाँ कंप्यूटर बनाता था उसको उखाड़ दिए, जिसका नौकरी था यहाँ 20-25 लड़का का नौकरी रोजी रोटी चल रहा था, उन लोग को भी उखाड़ के फेंक फाक कर दिए। क्या नाम हुआ आपका और ये कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स का नाम है सना कॉम्प्लेक्स। मेरा नाम नजीबुर रहमान हुआ।